ऑडियंसेस जब गाना सुनते हैं वो सबसे पहले मेलोडी सुनते हैं, स्पेशली ईस्ट में, यू नो पाकिस्तान और इंडिया और जो ईस्ट की कंट्रीज हैं यहाँ पे मेलोडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. म्यूजिक ऑलवेज कम्स स्लाइटली लेटर. ऑफकोर्स म्यूजिक अच्छा हो तो इट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स द मेलोडी. तो मुश्किल नहीं होगी. जो अच्छा मेलोडिक म्यूजिक सुनता है उसको ये एल्बम बहुत अच्छी लगेगी. जहाँ तक मैं कंसर्न हूँ, आई थिंक एवरीवन शुड गो आउट देयर एंड बाय इट एंड लव इट. काविश का म्यूजिक या वो म्यूजिक जो काविश के साथ साथ वो तमाम लोग कर रहे हैं जिसमें सच्चाई नजर आती है, वो हर जगह एक्सेप्ट होगा. अक्सर चीज़ें जो मैं सोचता हूँ कि यार ये तो किसी को भी नहीं समझ आएगा, एवरीवन लव्स, और जो चीज़ मैं समझता हूँ कि यार ये तो हर एक को पसंद आएगा और उनको किसी को नहीं पसंद आता. ऑडियंस जो इस चीज़ को लेगी वो बेस्ड ऑन द मेलोडीज लेगी कि गाया क्या जा रहा है, और बाकी जो म्यूजिक उसके इर्द गिर्द हुआ है वो उसकी ऑर्नामेंटेशन है, तो उसका एज सच कोई स्टाइल नहीं. द मेलोडीज आर ब्यूटीफुल. जाफर ने बहुत अच्छा गाया. माज हैज प्लेड एक्सेप्शनल अकूस्टिक गिटार्स ऑन इट. मेलोडीज की बहुत ईस्टर्न है और ऐसी मेलोडीज हैं जो कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं. यस, सम पीपल विल लव इट एंड सम पीपल माइट वोंट. वंस अगेन इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. लेकिन ना कि जिस किस्म की म्यूजिक आप सुनते आ रहे हैं, जो जो चीज़ आपको मिल रही है उससे हट के है, उससे अलग है. बेसिक सिंपल प्योर फॉर्म ऑफ म्यूजिक अवेलेबल है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. काविश का भी सिलसिला ये है कि उन्होंने अपने आप को इस कदर करीब रखा है सुर के कि जो भी सुर की सच्चाई को जानता होगा या सुर पसंद करता होगा या जिसको सुर की एक प्रॉपर प्रोजेक्शन का पता होगा वो काविश को ज़रूर पसंद करेगा. इनका म्यूज़िक बहुत अच्छा है. अगेन जिसको म्यूज़िक की समझ है वो इसके म्यूज़िक को बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा. इट्स समथिंग दैट I think we as Pakistanis should appreciate and be proud of. In titliyon ke sang 6 saal ke arse mein duniya kahan se kahan pahunch gayi hai. Yaqinan aaj ke kavish mein aur 6 saal pehle ke kavish mein bahut farq hoga. Aaiye maloom karte hain ki bachpan se more saiya tak ka safar kavish ke liye kaisa raha. Their personalities have changed, or personality se music bhi change ho jata hai aapka. They've become very professional also. When it comes to their music, koi compromise nahi hai. Ek to unke music mein maturity bahut aayi hai. Unki samajh change hui hai music ke bare mein, sound ke bare mein. Bahut musicians galti karte hain ki wo ek kamre mein baith ke music banate hain aur wo usko bahut acha samajh lete hain. Music tab acha hota hai jab usko audience acha samjhe. Ye bhi samajh mein aaya hai ki acha music kya hota hai, aur unko ye bhi samajh mein aaya hai ki audience ke liye acha music kaun sa hota hai. To unhone apni audience ko understand kiya. To biggest change is that in Kavish. I think 6 saal pehle jo music hum log kar rahe the, agar hum logon ne 6 saal pehle us time ke aas paas apna album release kiya hota to mere khayal mein bahut chhittar hi khaye hote. Not just personally but musically also we were maturing up. Sahi logon se upar wale ne sahi time pe milwaya, sahi experiences ke through humne guzara, jiske result mein aaj our album is the way it is. मेरे ख्याल में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है 6 साल पहले और आज के काम में. एंड माज हैज रियली पिक्ड अप बिकॉज इनिशियली ही स्टार्टेड ऑफ जस्ट एज अ को वोकलिस्ट टू मी, देन ही पिक्ड अप द गिटार एंड नाउ ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एट इट. टाइम कोई फैक्टर नहीं होता किसी चीज़ के लिए. कुछ आप 6 मिनट में भी एक गाना बना सकते हैं, आप 6 साल में भी एक गाना बना सकते हैं. जाफर एंड माज आई थिंक उनकी एक अपब्रिंगिंग भी एक सर्टन तरीके से हुई है. लाइक एनी वन हु नोज देम पर्सनली वुड नो दैट आई डोंट थिंक दे वुड पुट आउट एनी थिंग जब तक वो तैयार ना हो. इट बी इंटरेस्टिंग टू सी अब वो इसके बाद कहाँ जाएंगे. म्यूज़िक इनका मेच्योर ही हो रहा है. म्यूज़िक बड़ी पर्सनल चीज़ होती है. आप अबरारों लग के गाने बजा लें स्पीकरों पर, बड़ी अच्छी बात होती है. बट अ लॉट ऑफ द म्यूज़िक शुड बी हर्ड ऑन हेडफोन्स. आई थिंक अगेन काविश की एल्बम जो है ना वो हेडफोन्स वाली एल्बम है. Naturally, जब as a new artist, when you start off, there are a lot of things that you are still learning and experimenting with. So I think Jafar, ab jaake na Jafar and Maaz, they both come a long way, and finally, it's a good time for them to be coming up with an album. मैंने बचपन बनाया था, it's a long time back. तो उस ज़माने में आप देख लो कि कितने छोटे होंगे, और उस वक्त उन्होंने इतना मैच्योर म्यूजिक और इतनी मैच्योर मेलोडी, इतने मैच्योर लिरिक्स, और ये पूरा एक पैकेज दिया था. एज इंडिविजुअल्स आई थिंक दे हैव ग्रोन अप टू एक्सेप्ट व्हाट इज अराउंड देम. लेकिन ये कि 6 साल के अंदर मेरी नज़र में अलावा बेहतरी के और कुछ नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से जो जिस तरह का ये काम कर रहे हैं आगे भी इसी तरह रहेगा. असल में एल्बम आनी थी तकरीबन आई गेस लेट 2007 में. इनिशियली उस वक्त बहुत एक्साइटमेंट थी कि पहली एल्बम आ रही है. 2 साल में बहुत वेट हुआ है पिछले. ऑब्वियसली जब इतने साल गुजर जाते हैं तो वो एक्साइटमेंट लेवल और जब कुछ हो नहीं रहा होता स्पेशली, तो
तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है, कम होता रहता है। जब आप किसी चीज़ को बहुत एक्सट्रीम केसेस में आपको किसी चीज़ की तलब होती है या किसी चीज़ की चाहत होती है और वो चीज़ डिले होती चली जाती है तो एक पॉइंट आता है जब उसका इम्पैक्ट मर नहीं जाता बट थोड़ा सा कम हो जाता है। 2008 में जब हम काफ़ी इंटरव्यूज़ दिया करते थे उसमें हर कोई पूछता रहता था कि एल्बम कब आ रही है, अभी तक क्यों नहीं आई, तो हम ये कहते रहते थे बस अभी आ रही है, उसके बाद आ रही है, ये आ रही है, और फिर वैसा नहीं होता था। मैं रिग्रेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, हर किसी चीज़ का टाइम होता है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उससे डिसअपॉइंटमेंट होती थी, और जब आप दूसरे लोगों से किसी से वादा करते हैं और फिर जब वो होता नहीं है तो वो फीलिंग बहुत बुरी होती है। बट अब आके जब फाइनली सुनना शुरू किया है लोगों ने तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। इट्स अ ग्रेट फीलिंग एक्चुअली टू फाइनली हैव द फर्स्ट एल्बम आउट देयर। इट्स बीन एजेस वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट एंड आई थिंक आई कैन वेरी इजीली से दैट इट्स एन अमेजिंग फीलिंग to have it out there now. Just the thought ke ye gaane ab finally koi aur bhi sun raha hai yaar, thank god koi sun raha hai, to wo ek overall bahut achhi feeling hai. Har jo insaan jo kaam karta hai wo bade dil se karta hai, and I think this album has been has a lot of heart. That's one thing I don't think any musician or any listener, serious listener, an intelligent listener will never deny that. कुछ नहीं पता होता इस हमारी स्पेशली पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर वेरी गुड जस्ट गो बाय जैसे कभी थी ही नहीं, और बहुत सारा मीडियोकर काम इस तरह हिट होता है जैसे मतलब उससे बेहतर कुछ था नहीं। काम के पीछे सबसे मेजर चीज़ होती है इंटेंशन। अगर आपने अपना कोई भी काम अच्छा या बुरा सही एक अच्छी इंटेंशन के साथ किया है तो उसका एक अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलता ही मिलता है। सो हमारी इंटेंशन हमारे काम के साथ हमेशा अच्छी थी, वी वर एज प्योर एज पॉसिबल, सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट रिवॉर्ड। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अभी जो एल्बम आई है कि ये सबको अच्छी लगेगी, हो सकता है किसी को बहुत बुरी लगे, हो सकता है किसी को बहुत अच्छी लगे। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्लेम कि हम लोगों ने को बहुत बड़ा तीर मारा है, कि हम लोगों को बहुत बड़ा चेंज इस इंडस्ट्री को दिया है, बट मैं इतना ज़रूर बिलीव करता हूँ कि इतनी ज़्यादा एफर्ट आई रियली डाउट कि अभी तक किसी एल्बम में लगी हो, वेयर ऑलमोस्ट एवरी इंस्ट्रूमेंट टू द एक्सटेंट पॉसिबल जो कुछ पॉसिबल था हम लोगों ने लाइव करवाया है। पिछले 5 साल से जितना फीडबैक मिला है उससे ये अंदाज़ा हुआ है कि हमारी कोई पर्टिकुलर टारगेट मार्केट नहीं है, लाइक कोई एज ग्रुप नहीं है कि 16 साल से लेके 25 साल तक ही सुनेंगे या उसके ऊपर सुनेंगे नहीं, हर एज ग्रुप के लोग में। तो मतलब हम लिटरली एक 10 साल का लड़का भी आके बोल चुका है कि हमें आपके गाने अच्छे लगते हैं, और एक 60 साल के अंकल ने भी आके बोला था कि मुझे तुम्हारा गाना अच्छा लगता है। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस एज फार एज माय ऑडियंस इज कंसर्न्ड, इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग दैट इन अ हार्श वे। ऑब्वियसली हम लोगों ने बनाई है तो अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों को अच्छी लगे। आई रियली होप कि सबको समझ में आए, बट इट्स जस्ट दैट टू एक्सपेक्ट ऑलवेज मीन्स कि अगर एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतरे कोई तो बहुत एक फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट होता है, तो आई डोंट प्रेफर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ एनीवन। ये 10-11 एक बहुत ही ज़बरदस्त बड़े प्यार से बने हुए गाने आपको सुनाई देंगे। यू नो आई थिंक इन द रीसेंट टाइम्स जितने एल्बम्स आई हैं उनमें से दिस डेफिनेटली बी वन ऑफ द बेटर वंस। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो सुनने वाले हैं उनसे मैं गुजारिश ये कहूँगा कि ये ज़रूर जानिए कि इससे बेहतर ज़रूर आएगा। अगर उनको लगता है कि ये कम्प्लीट नहीं है तो वो उनका ओपिनियन 100% वैलिड होगा, क्योंकि उनके ओपिनियन पे अगला काम डिपेंड करता है। इसमें ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है एक्चुअली कि जिसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो। मेलोडी जो है वो तो हमारे म्यूज़िक की बुनियाद है। बीच में हम थोड़ा सा उस राह से हट गए थे और रिदम की तरफ ज़्यादा चले गए थे, लेकिन अब इत्तेफाक से ऐसा है कि अब जब इनका ये एल्बम रिलीज़ हो रहा है तो हम ये दुनिया इस तरफ वापस आ रही है, और मुझे उम्मीद है कि वो इसको एंजॉय करेंगे, और ये एक बड़ा एक चेंज आएगा म्यूज़िक में इंशाल्लाह ताला।